हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, जो कि जीएस पेपर 4 का पार्ट है। हम लोग यहां कर रहे हैं एथिक्स का पेपर, जो कि बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रही हूं। डेली लाइफ के एग्जांपल ले रही हूं आपको समझाने के लिए। ये यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेंस में ये आंसर राइटिंग में बहुत ही आपके काम आएगा, हेल्पफुल होगी मेरी ये वीडियोज़। इसके लिए पहले दो पार्ट्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज ये लास्ट और आखिरी पार्ट, पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी अपने सक्सेस मंच चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे, सक्सेस मंच पेज पे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको और भी क्या चीज़ें देखनी है। मेरे चैनल पर प्री और मेंस दोनों से रिलेटेड काफ़ी वीडियो सीरीज़ चलाई जा रही हैं। आरओ एआरओ मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे भी रिलेटेड हिंदी की वीडियोस आप लोगों के कमेंट पे मैंने शुरू की हैं, तो हिंदी से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ऐसे भी हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का ये आखिरी पार्ट करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं यहाँ पर सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी और जल्द से जल्द कोशिश करूँगी पेपर 4 तो एटलीस्ट कम से कम ख़त्म हो जाए, क्योंकि जीएस पेपर 1 काफ़ी लेंदी है, उसको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन 4 कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ ला के मैं ये कम्प्लीट करूँ आपका पोर्शन, ताकि पेपर 2 और पेपर 3 भी शुरू किया जा सके जल्द ही। और MPPSC का भी प्री होने वाला है अप्रैल में, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगी। तो उसके लिए MP की वीडियोस तो चल ही रही हैं, साथ में मैं आपको जल्दी एक वीडियो लाऊंगी जिसमें स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि 90 डेज़ में कैसे क्लियर करें MPPSC। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार रिविज़न कर लेते हैं। मैंने इसमें अवधारणा के बारे में बात कर ली थी, विशेषताएँ बता दी थी, अभिक्षमता और बुद्धिमत्ता के बारे में बात कर ली थी, अभिक्षमता और रुचि में क्या संबंध है ये देखा था, अभिक्षमता परीक्षण क्या होता है ये देखा था। आज आखिरी पार्ट करेंगे, जल्द ही इसे कंप्लीट करते हैं। लोक सेवकों के लिए अभिक्षमता क्या होती है, क्या इसका इसकी क्या वैल्यूज़ है, ये अवधारणा आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, विशेषताएं देख लीजिएगा। अभिक्षमता बुद्धिमत्ता में संबंध ये कल की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था। अभिक्षमता और रुचि में अभिक्षमता परीक्षण कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुकी थी। आज हम करेंगे लोक सेवकों के लिए अभिक्षमता। तो संघ लोक सेवा आयोग ने और इस साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत सुधारात्मक कदम उठाया है और ये निर्धारित किया है इन लोगों ने कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो प्रारंभिक चरण में चयनित जो उम्मीदवार होंगे, जो प्री की परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे, उनके लिए अभिक्षमता अभिरुचि का परीक्षण किया जाएगा, ताकि ये निश्चित हो सके कि प्रशिक्षण अगर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए तो वो अच्छे लोक सेवक बन सकें, अच्छे लोक सेवक के तौर पर देश की सेवा कर सकें। इसीलिए लोक सेवकों के लिए एथिक्स का पेपर लेकर आए हैं मेंस के अंदर। अब ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इस साल से इसे चालू करेगा, लागू करेगा। तो सिविल सेवा के लिए आवश्यक दक्षताओं के आधार पर CSET नामक विशेष अभिक्षमता परीक्षण किया गया है। अब ये जो सेकंड पेपर होता है, वैसे तो फर्स्ट पेपर भी हम लोग लेंगे, लेकिन जो सेकंड पेपर होता है इसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, काफ़ी भाषा संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं ये सब सेकंड पेपर में आता है। तो हम सिर्फ उसी को ध्यान में रखकर कि हमारा जैसे प्री होता है कैसे मेंस होता है, उसके हिसाब से हम लोग आज ये पढ़ेंगे। और सिर्फ आप वही ध्यान में रखेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले निम्न अभिक्षमता जो मैंने यहाँ पॉइंट्स दिए हैं, ये अभिक्षमताएँ क्षमताओं को जांचने के लिए ही CSET का एग्ज़ाम लिया जाता है। लोक सेवकों की भर्ती के लिए प्री में ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है, आप बस पेपर एक बार ध्यान में रखिए कि क्या क्या पेपर आपके सामने आया था, किस टाइप से पेपर था। मैथ्स के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे हर एक एरिया से क्वेश्चन लिए गए थे प्री के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए।
तो इसीलिए ये क्यों लिया गया था इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाषा पर सूक्ष्म पकड़, जैसे हिंदी का जो इसमें पोर्शन आता है उससे क्या होता है, उससे इससे समझ में आता है कि जो लोक सेवक बनेगा उसे भाषा का कितना ज्ञान है, भाषा की कितनी पकड़ है। जैसे कि जब सिविल सेवक बन जाता है एक एस्पिरेंट, तो उसको देश में जो सेवा करनी होती है उसमें निर्णय लेना होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है वो नोटिंग और ड्राफ्टिंग के माध्यम से होती है। ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, नोटिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे सिविल सेवक जो होते हैं उनको प्रतिवेदन लिखने और पढ़ने की समझ क्षमता भी होनी चाहिए। प्रतिवेदन के लिए अगर कोई व्यक्ति शब्दों का अगर गलत प्रयोग के माध्यम से सिविल सेवकों को बहकाने में सफल हो जाए तो इससे हमारे देश को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए जटिल से जटिल कथनों को सटीक अर्थ समझने की क्षमता और कठिन से कठिन और उलझी हुई बातों को सरल और पारदर्शी भाषा में लिखने व समझने की क्षमता सिविल सेवकों के लिए आवश्यक होनी चाहिए। इस दक्षता का महत्व इसी को ध्यान में रखते हुए सीसेट का एग्जाम बनाया गया है, जिसमें बोधगम्यता पर आधारित प्रश्नों को महत्व दिया गया है। तो आप इससे समझ चुके होंगे कि वो लोग बातों में ऐसा उलझा देते हैं क्वेश्चनों में कि अगर कोई शार्प माइंडेड सिविल सेवक होगा तो वही इन क्वेश्चनों को समझ पाएगा और हल कर पाएगा। नेक्स्ट होती है उच्च तार्किक क्षमता। तो सिविल सेवकों को बहुत सारे जटिल परिस्थितियों को समझना पड़ता है, विभिन्न क्षेत्रों के जो तथ्य होते हैं उन्हें आपस में जोड़ना पड़ता है, अलग अलग क्षेत्रों से जो जो चीज़ें उन्हें मिलती हैं जोड़ने के साथ साथ उन्हें उनका विश्लेषण भी करना पड़ता है। तो ये सब कार्य करने के लिए उनकी तार्किक क्षमता उच्च होनी चाहिए। जो नॉर्मल तार्किक क्षमता का जो एस्पिरेंट्स है वो सिविल सेवकों का काम आसानी से नहीं कर सकता, तो ये जाँचा जाता है अभिक्षमता परीक्षण में। नेक्स्ट होता है संचार तथा संप्रेषण कौशल। जैसे कि एक अच्छे सिविल सेवक से हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समाज को उचित नेतृत्व प्रदान करे। इसके अलावा बहुत सारे कर्मचारियों का प्रबंधन भी उसे ही करना पड़ता है। राज्य जिस विकास को साधना चाहता है, जिस विकास को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि जनता भी उस प्रक्रिया को समझे और उस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले। इसके लिए आवश्यक है कि जो लोक सेवक बने हमारे देश का, वो दूसरों की बातों को, विचारों को, भावनाओं को समझते हुए और अपनी बातों को भी रख पाए, अपनी बातों को भी लोगों को समझा पाए। इसके लिए ही सीसेट में अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण क्षमताओं के जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा पेपर टू में, जो सीसेट का पेपर टू होता है उसमें संचार और संप्रेषण कौशल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि संचार और संप्रेषण कौशल की क्यों आवश्यकता होती है लोक सेवकों के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा दिया हुआ है वो है न्याय निर्णयन समस्या समाधान की सटीक क्षमता, ये वाला पॉइंट। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि तार्किक क्षमता तो होनी ही चाहिए लोक सेवक में। इसके साथ साथ लोक सेवक में के कैरियर में ऐसे कई बार कई मौके आते हैं और ऐसे कठिन निर्णय उन लोगों को करने पड़ते हैं कि अगर उस निर्णय में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो उनको अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उनको बहुत सारे कर्मचारियों को मैनेज करना पड़ता है, अपने क्षेत्र के निवासियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी करना पड़ता है। इसके लिए उनको सकारात्मक और सुलझा हुआ उनका दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे कि उन्हें सूखे की समस्या, हड़ताल की समस्या, दंगे की समस्या आदि का सामना करना पड़ता है, उसे हल करना पड़ता है। इसलिए सीसेट में आप लोगों ने देखा होगा कि जटिल परिस्थितियां दे दी जाती हैं कि आप मान लीजिए इस एरिया के कलेक्टर हैं, आप इस एरिया के जो भी सिविल सेवक हैं, तो आपको ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी तो आप क्या न्याय निर्णय करेंगे, आप कैसा निर्णय देंगे। तो निर्णयन से संबंधित प्रश्न जैसे कि क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो उसमें नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादातर गणना से संबंधित क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ऐसे जैसे मैट और कैट के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो पूछे जाते हैं व्यापार और वाणिज्य और मार्केटिंग से संबंधित पूछे जाते हैं, तो लोक सेवक से जुड़ी समस्याओं से नहीं। तो जिस हिसाब से एग्ज़ाम होता है लोक सेवकों के लिए निर्णय करना और समस्या का समाधान करना एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। इसीलिए ये इसमें सेकेंड पेपर में ये ज़्यादातर क्वेश्चन इस हिसाब से दे के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है गणित तथा आंकड़ों को समझने की क्षमता। अब सिविल सेवक बनने के लिए बहुत ज़्यादा गणित का ज्ञान होना आवश्यक तो नहीं है।
अगर क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बैंक के अधिकारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर गणित का एग्ज़ाम देना, मतलब कि गणित के हर एक चीज़ों के पहलुओं को समझना बहुत आवश्यक होता है। बट लोक सेवकों की इससे अपेक्षा होती है कि वो जैसे गणित की आधारभूत धारणाएँ होती है, जो बेसिक गणित होता है, सामान्य गणनाएँ करना वो समझ सके, ताकि वो छोटी छोटी चीज़ों को समझ सके। बहुत ज़्यादा डीप में मैथ्स की नॉलेज नहीं चाहिए होती है, जो उसके सभी प्रतिवेदन आंकड़ों, जो आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, वो प्रतिवेदन वो आंकड़े के रूप में ही होते हैं। इसीलिए जब पेपर टू होता है, उसमें मीन मीडियन मोड जैसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, डेली लाइफ से जुड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनका उन्हें विश्लेषण करना होता है। तो इसीलिए क्लर्कियल एग्ज़ाम में अलग चीज़ें आती हैं, बैंक्स एग्ज़ाम में अलग चीज़ें आती हैं, और लोक सेवकों के लिए अगर कोई सिविल सर्वेंट के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए सामान्य गणित, सामान्य आंकड़ों और व्याख्याओं से पर्याप्तता से जुड़े प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसमें बस आपको यही पता होना चाहिए कि आपको इसमें अवधारणा समझ में आनी चाहिए कि ये कैसी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है लोक सेवक में गणित के आंकड़ों के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो ये चार पांच जो पॉइंट्स थे, इसका निर्णय करने के लिए सिविल सर्वेंट में अभिक्षमता का परीक्षण किया जाता है कि एक एस्पिरेंट, ये एक एस्पिरेंट लोक के अंदर लोक सेवक बनने के कितने गुण समाहित हैं। इनमें से अगर इसका बहुत अच्छा वो आंसर दे देता है, तो उसका मेरिट में नाम आ जाता है, और नहीं दे पाता तो फिर आप लोगों को भी पता है कि वो मेरिट से बाहर हो जाता है। तो इसीलिए लोक सेवकों के लिए अभिक्षमता की आवश्यकता होती है। तो आज ये ख़त्म होता है हमारा टॉपिक सिविल सेवकों के लिए अभिक्षमता। आपको होप सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अभिक्षमता क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, बुद्धिमत्ता और रुचि में उससे क्या संबंध होता है, लोक सेवकों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।